धार की भूतशाला में एएसआई के छठे दिन का सर्वे भी अब खत्म हो गया है। एएसआई की टीम ने आज भी 9 घंटे भूतशाला के अंदर और बाहर सर्वे किया। हिंदू पक्षकार गोपाल शर्मा के मुताबिक एएसआई की 17 सदस्यों की टीम 3 ग्रुप में अलग अलग भागों में सर्वे कर रही है। भूतशाला की नींव की खुदाई चल रही है। खुदाई में सबूत भी मिले हैं जिनको संग्रहित कर लिया गया है। नींव की खुदाई लगभग 12 फीट तक पहुंच चुकी है। आपको बताएं 3 जगह ये खुदाई चल रही है। एक वीडियो भी इसका सामने आया है जिसमें एएसआई के कर्मचारी भूतशाला के अंदर 15 फीट की स्टील की रॉड ले जाते दिख रहे हैं। माना जा रहा है इसे जमीन के अंदर गाड़कर अंदर का हाल देखा जाएगा। रुका तो वहीं से आगे चला है और अभी ऐसा कोई आगे नहीं बढ़ा है कि हम किसको कह सकते हैं बताने लायक ही, लेकिन हाँ सर्वे को गति मिली है और किसी अन्य सर्वे में आपको सुखद परिणाम मिलने वाले हैं। पीछे कितने फीट खोदा गया है, कुछ प्रमाण मिले? 8 फीट हो गया और आगे उसको कई सारे उनको संकेत मिला है कि आगे क्यों बढ़े हैं वो। खबर को विस्तार देंगे, सहयोगी कमल मेरे साथ जुड़ गए। कमल, आज छठवें दिन का एसआई का सर्वे पूरा हुआ है, किस तरह से आज का सर्वे रहा, क्या कुछ आज हुआ? देखिए विकास, निश्चित तौर पर एएसआई का सर्वे लगातार जारी है। आज छठवें दिन एएसआई की टीम ने भूतशाला के अंदर और बाहर के सर्वे की कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम सुबह 7 बजे दाखिल हुई, लगभग शाम 5 बजे तक टीम भूतशाला के अंदर सर्वे करती रही। अगर बात की जाए भूतशाला की पिछले हिस्से की तो वहां पर खुदाई लगातार जारी है। पिछले 3-4 दिनों से वहां पर खुदाई हो रही है और 9 फीट से लगाकर 12 फीट तक की जो उसकी खुदाई बताई जा रही है कि उसकी गहराई इतनी हो चुकी है, क्योंकि भूतशाला के अंदर भूतशाला की आयु का पता करना है और इस मॉन्यूमेंट में देखना है कि कितना पुराना स्ट्रक्चर है। बताया जाता है कि भूतशाला का निर्माण राजा भोज ने 1034 में करवाया था। वहीं 1305 के लगभग में यहाँ पर आक्रमण हुआ था जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। तो ऐसे में भूतशाला की उम्र का पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इंदौर हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया था कि विस्तृत रूप से वैज्ञानिक सर्वे किया जाए। भूतशाला में जब एएसआई की टीम पहुंची तो कार्बन डेटिंग की गई, जिसके बाद भूतशाला के पिछले हिस्से में खुदाई शुरू की गई। भूतशाला के पिछले हिस्से में लगभग 3 हिस्सों में खुदाई की जा रही है। एएसआई के जो 17 सदस्य की टीम है जिसमें 5 सदस्य एक्सपर्ट है और बाकी के जो सदस्य अन्य लोग है वो 3 अलग अलग इकाइयों में अपनी सर्वे की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं और लगातार यहाँ पर कार्रवाई देखने को मिल रही है विकास। और आज अगर देखा जाए तो यहाँ पर भूतशाला में टीम को बड़ी सफलता मिली है। कहा जा रहा है कि जो भूतशाला के नींव है उसको देखा जा रहा है, वहां पर अवशेष जो मिले हैं उन्हें स्टोर भी किया गया। वहां पर पत्थर निकले हैं, ईंटें निकली हैं और आज हमने देखा कि जो भूतशाला के अंदर कर्मचारी है वो स्टील के राड़ ले जाते हुए भी नजर आए। तो माना जा रहा है कि स्टील के राड़ का वहां पर क्या काम, क्योंकि स्टील की राड़ को हो सकता है जमीन के अंदर डाला जाएगा और देखा जाएगा कि यहाँ पर नीचे कुछ अवशेष है क्या, क्योंकि जो नींव है वो बताई जा रही है कि लगभग 15 फीट की नींव होगी। बिल्कुल, तो इस तरह से आज छठवें दिन का सर्वे पूरा किया गया है। बहुत शुक्रिया कमल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।